तो कैसे हो भाई लोग, आज मैं आया हूँ मुंबई से 80 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के एक छोटे से और सुंदर से हिल स्टेशन पर। ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रॉपर एकदम अच्छे से पूरा गाइड कर सकूँ आपको माथेरन के बारे में कि कहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ से आना है, कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, तो पूरी कोशिश रहेगी। तो आगे आप वीडियो में जुड़े रहो और अगर आप माथेरन आने का प्लान कर रहे हो तो देखते रहो, तो ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। हम पुणे से अपनी कार से 120 किलोमीटर का सफर तय कर माथेरन पहुंचे थे। माथेरन पहुंचने के लिए सड़क मार्ग तो है ही, पर अगर आप उससे नहीं आ रहे हैं तो निरेल माथेरन से सबसे करीब का स्टेशन है, जिसके लिए मुंबई और पुणे से आपको ट्रेन मिलेगी। निरेल से माथेरन के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो मॉनसून में बंद रहती है। मॉनसून में निरेल से 100 रुपये के चार्ज में शेयरिंग टैक्सी से आप माथेरन पहुंच सकते हैं, जो 6 किलोमीटर का घाट है। हम लोग माथेरन की पार्किंग में पहुंच गए। हम आज और कल निकलने वाले हैं, आज रात यहां रुकने वाले हैं, तो हमारे 150 रुपये पार्किंग के लगे। जैसे ही हम माथेरन की एंट्री पर पहुंचे, हमें घोड़े वालों ने घेर लिया, जिसका अलग अलग जगह का अलग अलग चार्ज था। हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोगों ने 50 रुपये का एक एंट्री टिकट लिया है, वो अलग से है, वो लेके अलग जा रहे हैं। ट्रेन चलती है वो रेलवे स्टेशन आगे, तो उसका टाइमिंग देखते हैं, नहीं तो फिर हमको पैदल जाना पड़ेगा। घोड़े से हमको जाना नहीं था, तो फिर यही बेटर है। घोड़े से ना जाने का कारण रुपए नहीं थे। जब हम चल सकते हैं तो हम अपने फन के लिए किसी जानवर को क्यों परेशान करें। ये ट्रेन टाइमिंग्स, अभी हम लोग देखते हैं कि हमको कौन सा वाला खाली मिलता है स्लॉट। अगर नहीं मिला तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है पैदल जाने का। हम लोग को ट्रेन में भी 1.5 घंटा था, तो हम लोग अब पैदल चल के जा रहे हैं। किसी ने बताया कि 25 मिनट का रास्ता है, तो हमने जो पटरी के सारे सारे रास्ता जा रहा है उस पर चल के जा रहे हैं। हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाह रहे थे कि हमको ट्रेन देखना है, लेकिन ट्रेन मिली नहीं, तो हमने बात करी महाराष्ट्र सरकार से, तो हमको इंजन की जुगाड़ हुई है। ये देखो इंजन, तुम माथेरन ऑटोमोबाइल फ्री एक छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन है जो समुद्र सतह से 2625 फीट ऊपर है। मॉनसून में माथेरन की खूबसूरती कहीं गुना बढ़ जाती है, जिसे एंजॉय करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हम लोग हमारे फर्स्ट पॉइंट पर आ चुके हैं, वो हमारे जो ट्रेन के ट्रैक है उसी के बीच में था। वैसे हम लोगों ने वो व्यू देख चुके हैं, पर ठीक है, एक पॉइंट कवर हो जाएगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं। लोग यहाँ पे आ रहे हो और अगर आपको रिसॉर्ट्स वगैरह चाहिए, होटल्स चाहिए, लॉज चाहिए, तो हर रेट में यहाँ पे अवेलेबल है। लोग वैसे आते रहेंगे आपके पास बार बार पूछने की रूम चाहिए, तो आपकी चॉइस। बाकी नहीं तो ये देखो पीछे एक है, गोकुल रिसॉर्ट है, इधर एक वुडलैंड था ना, क्या था ऐसे कुछ था, तो वो है। और हमने जो बुक किया है वो कृष्णा होटल है, कृष्णा रिसॉर्ट है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं सबसे पहले। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ माथेरन में होटल के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, 1,000 से 5,000-6,000 तक। आप बुक करके भी आ सकते हो और यहाँ आकर भी ले सकते हो। हमने होटल ले लिया है क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठे हुए थे, सब थक रहे थे, तो हमने पहले होटल लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने पैकेज लिया है जिसमें हमारा लंच, डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ये हमको 5,000 रुपये में 2 रूम मिले हैं आज से कल तक के लिए। Later. तो हम लोग रेडी हैं, खाना खाएंगे और फिर निकलते हैं। चलो, ये है हमारा आज का भोजन जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है रूम के। हमने बहुत टेस्टी सा खाना खा लिया है, एक नंबर खाना था, और अब बारिश आ गई है तो बैठे हुए हैं। बारिश जैसे ही बंद होगी तो फिर निकलते हैं आगे, कहीं और घूमने जाएंगे, अगली जगह देखेंगे। देखो जब तक बारिश, इंजॉय करो। Thank you.
ये है हमारा लंच के बाद का पहला पॉइंट, इसका नाम है माधव जी पॉइंट। आप लोगों को चलने में परेशानी नहीं है तो वॉक ही करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा एंजॉय हो पा रहा है, और जब ऐसा ग्रुप हो तो और ज़्यादा। सो आकृति बहुत ज़्यादा थक चुकी है इधर सब चल चल के, अब उसको घोड़ा करवाना पड़ रहा है आधे रास्ते में। शानदार बारिश हो रही है और ऐसा मौसम हो तो हमको जरूरी है चाय, और हम पियेंगे चाय। हमारे पीछे है इको पॉइंट। अंकल इतने वियर्ड वियर्ड तरीके से कुछ भी चिल्ला रहे हैं, मेरे को क्या चिल्लाना चाहिए, तेरे को क्या लगता है? ये था इको पॉइंट, और ज्यादा बादल या ज्यादा फॉग ना होने की वजह से एक नंबर व्यू दिख रहा था, तो मजा आया। एक नंबर हवा चल रही है, थोड़े बादल हो गए तो हमने सोचा कि अब दूसरी जगह चलते हैं, तो ये थे नज़ारे इको पॉइंट के। इको पॉइंट से अब हम लोग लुइजा पॉइंट जा रहे हैं, वो 1.5 किलोमीटर के करीब है, तो वो भी हम वॉक करके ही जा रहे हैं। और ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है बीच बीच में, ठीक है, व्यू है चारों तरफ, हरियाली है, अब इतना कर रहे हैं, इतना हो ही गया है तो सह लेंगे थोड़ा। चलो ये है इधर हनीमून पॉइंट, पर अपना हो चुका है इसलिए अपन सीधे लुइजा चलते हैं, ठीक है ना? व्यू भी एक जैसा ही होगा लगभग, तो अभी एक देखेंगे, समय बचेगा तो आएंगे। यहाँ पे सड़क की बड़ी ज़रूरत है, हमारा एक्यूप्रेशर हो चुका है अभी तक, लेकिन हम लुइजा पॉइंट नहीं पहुँचे। मैं तो नहीं थकी हूँ गाइस, ये लोग थक चुके हैं, आई एम गुड, पर पहुंचेंगे। दो चार पॉइंट चल सकती हूँ, झूठ बोल रही है, कोई आपको पता ही नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। मैं जब आ रहा था तो मैंने बाहर पढ़ा कि 800 रुपए में यहाँ बॉडी मसाज होता है, अब मुझे उसकी जरूरत लग रही है। चलो अपना तो हो गया, बस जाओ चलते जाओ, मैं तो नहीं थकी हूँ, अब इन लोगों का नहीं पता कि थक गए कि नहीं, पर मैं एकदम टिप टॉप हूँ। A few minutes later, हम लुइजा पॉइंट पहुँच के, मैं बैठना चाहती हूँ, लेटना चाहती हूँ, पर मैं चलना नहीं चाहती। हम लोग आ चुके हैं लुइजा पॉइंट, और यहाँ पे से व्यू ऐसा है कुछ। एक सुंदर सा वाटरफॉल है, और ये इको पॉइंट है। इतना सुंदर नजारा जिसको देख बस ऐसा लग रहा था कि समय रुक क्यों नहीं सकता। लुइजा पॉइंट पे तो शानदार पानी आ चुका है, और हम लोग गीले हो चुके हैं, हमने हमारा सामान बस पैक कर लिया है, वो ज्यादा जरूरी है, सिर्फ हमको भिगाना ही था, गीले हो चुके हैं और पानी बंद हो गया है। लुइजा पॉइंट माथेरन के फेमस स्पॉट में से एक है, जिसके एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ हैं और दूसरी तरफ हीरे के आकार में चार्लेट लेक। मन तो नहीं हो रहा यार यहाँ से जाने का, पर अब जाना पड़ेगा क्योंकि 5:15 हो चुकी है, और हमको अभी 4 किलोमीटर जाना है, पैदल पैदल जाना रहेगा, तो अंधेरा हो जाएगा तो लाइट्स की प्रॉब्लम है, तुमको समय से हमारे रिसोर्ट पहुंचना होगा, हमारे होटल पहुंचना होगा। समय आ चुका है और बहुत तेज पानी आ रहा है,
हम गीले होते हुए जा रहे हैं और इतना डार्क हो चुका है जंगल के अंदर, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा। चलते चलो। तेज पानी आ गया था और हम लोग बैक टू रिसॉर्ट आ गए हैं। हम लोग चेंज वेंज किया है, अब डिनर करेंगे और सो जाएंगे क्योंकि भयंकर थक गए। अब बाकी का जो भी कुछ बचेगा वो कल कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर हमको निकलना भी रहेगा, तो देखते हैं कल जो कुछ हो पाएगा उसमें। हमको सबसे मेन है टॉय ट्रेन में घूमना है, वो करना ज़रूर है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा आज का सेकेंड डे और हम लोग अच्छे खासे सोए हैं। रात में 9 बजे सो गए थे और अभी सुबह जल्दी उठ के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा धो के हम लोग रेडी हैं एकदम। अब हम लोग निकलेंगे दूसरी जगह के लिए। दूसरी जगह में हमारा आज मेन जो है वो ये है कि एक तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है, दूसरा हमको टॉय ट्रेन में घूमना है और एक पॉइंट है पैनोरमा पॉइंट जिसका सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो वो देखना है, वो मेन है। क्योंकि फिर हमको टाइम से निकलना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नीचे उतरने का घाट भी है और हमको फिर पुणे वापस पहुँचना है। अभी हमारा शॉपिंग चैप्टर शुरू हो चुका है, तो इन लोग की शॉपिंग चल रही है, बाहर पानी आ रहा है। तो हमारी शॉपिंग खत्म हो गई है, और भी चीज़ें चाहिए थी लेकिन अब नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो कैसा रहा आप लोग का शॉपिंग, क्यों करी आप लोगों ने ये? पुणे से मैंने 450 में सेम, मतलब नॉट दैट ज़्यादा वाली, पर ऐसी सिंपल वाली ली है चप्पल, वो 450 में थी, वो बंदा तो 600 बोला था, मैंने बार्गेन करके 450 के लिए, और यहाँ पर उन्होंने रेट सही लगाया है, आई होप क्वालिटी भी अच्छी हो। तो मैं अभी आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे और ये मेरे पीछे है पुराना रेलवे स्टेशन और हम लोग अभी टिकट की लाइन में लग रहे हैं। टिकट हम लोग को अभी 11:30 पे एक ट्रेन थी, वो तो मिलना मुश्किल है, तो हमको शायद 12:20 वाली मिलेगी, तो उसकी टिकट मिलेगी वो देखते हैं। उसमें टिकट के चार्जेस हैं, जो सेकंड क्लास है उसका 50 रुपये एडल्ट का है और अगर फर्स्ट क्लास में मिलती है तो उसका 350 रुपये। हम देखते हैं कौन सी अवेलेबल रहती है क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और ये मेरे पीछे ट्रेन। फाइनली 1.5 घंटे की जंग के बाद हम लोग को टिकट मिल गई है और हम लोगों ने सेकंड क्लास लिया है, उसका टिकट पर पर्सन 50 रुपये का है क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है उसका जो टिकट है वो 350 रुपये का है और मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है, 15 मिनट का पूरा ट्रैवल टाइम है। हमने ये 50 वाला टिकट ले लिया है, अब हम लोग बैठते हैं और ट्रेन इन्जॉय करते हैं। ट्रैवल था जिसके लिए हमने 1.5 घंटा दिया है। हम लोग जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट जिसका नाम किसी को भी नहीं पता है, सब बोल रहे हैं बस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा जाते हैं, 2 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रेन की पटरी पकड़ के हम लोग चल रहे हैं ये पीछे। उन्होंने कहा ये पटरी मत छोड़ना, सीधे सीधे जाओगे तो पहुंच जाओगे, बस वहीं जा रहे हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे का व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला है। आपको बताएं जब ऐसा व्यू मिले तो क्या करना चाहिए, ये देखो। हम हैं बहुत सारे तरह के सांप, छोटे छोटे वाटरफॉल, पटरी है, जंगल है और मज़ा आ रहा है क्योंकि अलग ही लेवल का सुकून है। हम चले जा रहे हैं, पता नहीं कितनी दूर है, कोई बोल रहा है 4 घंटे है, कोई बोल रहा है 15 मिनट का रास्ता है, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। सही मैं बताता हूँ, ठीक है ना, मैंने टाइम नोट किया है क्योंकि तो मैं आपको सही समय बताता हूँ, दूरी तो मैंने नहीं गिनी पर 50 मिनट लगे हैं मेरे को अमन लॉज यानी कि मेन स्टेशन मेन गेट से
इस व्यू पॉइंट पे आने में, और व्यू पॉइंट क्या है वो आप देख लो, ये देखो। तो हमारा ये पॉइंट था, ये यहाँ के सीन्स थे। अब हम लोग जाएंगे, हम लोग ने 500 मीटर बचा लिए जो नीचे उतरने के थे वो हम लोग ने बचा लिए, क्योंकि हमको अभी एक पॉइंट और जाना है और फिर वापस निकलना है। तो ये सीन थे, कैसा लगा आपको? अगर आप लोग को लगता है कि आना चाहिए तो आप आ सकते हो, थोड़ा सा बस वॉक करना है, बाकी और खाली पड़ा होता है, कोई ज़्यादा लोग होते नहीं है। तो और यहाँ का जो व्यू है, गजब। ये हमारा अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस ट्रिप का। तो अभी यहाँ से 25 से 30 मिनट का वॉक बता रहे हैं, टाइम 5 बज चुकी है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो हम ऊपर पहुँचेंगे तो व्यू तो देख लेंगे लेकिन नीचे आने तक अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए चलते हैं डायरेक्ट आगे। आप ऐसा सोचते हो कि आप थक गए हो, तब उतना थक जाते हो, बट आप अगर उस चीज़ को साइड रख के थोड़ा एनर्जी, मतलब नॉर्मल रहोगे और ऐसा नहीं सोचोगे तो उतनी आप में एनर्जी रहती है। नीचे ट्रैक दिख रहा है, इस ट्रैक पे चल के हम वहाँ गणेश जी के वहाँ तक गए थे, और ये पूरा व्यू, और अभी हमको वो वहाँ सबसे हाइट पे जाना है, तो हम अभी यहाँ से आए, यहाँ से हम लोग उधर नीचे गए, नीचे से हम वापस चल के अब जा रहे हैं सीधे वहाँ। हम लगभग पहुँच चुके हैं पैनोरामा पॉइंट, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ से दिखता है 360 व्यू सब तरफ का। तो ये 360 व्यू में हमारा एक तरफ ये है, कोई शहर है नीचे छोटा सा और व्यू है, और हमारे एक तरफ माथेरन है, ये व्यू है वहाँ का। एक बार अगर कुछ और मिस हो रहा हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये पॉइंट मत छोड़ना, थोड़ा चलना पड़ेगा, पर एक नंबर है, मज़ा आ गया है, एक नंबर व्यू है, और हवा तो गजब चल रही है। तम और है गणेश जी जहाँ अभी हम गए थे, और अभी हम यहाँ हाइट पे इतनी। ये देखो इधर बारिश है और उधर वहाँ धूप है, ये बादल आ चुके हैं पूरे, सारा व्यू गायब हो गया है, ऐसे बादल आ रहे इधर देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और इस तरफ का पूरा व्यू गायब हो चुका है, इस तरफ बादल बचे हैं अभी, वो भी कवर हो रहे हैं, और यहाँ भी पीछे हमारे तरफ हम जहाँ बैठे हैं इस जगह पे भी पूरे बादल आ चुके हैं। तो ये था पैनोरामा पॉइंट, अब समय हम लोग निकल जाते हैं, 6 बज चुकी है और बहुत ज़्यादा कोहरा यानी कि बादल हो चुके हैं सब तरफ, तो हमको जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जहाँ बीच बीच में घना जंगल है वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, और फिर हमको निकलना भी है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो ये था सीन, वो कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही वाली चीज़ है, हम इतनी मेहनत करके चढ़ के आए तो हमको ये फल मिला, ये नज़ारा, ये खूबसूरत व्यू। ये देखो हमने शहर को नजर लगा दी और उस पर भी पानी गिरवा दिया है, देख उधर से ना, लेकिन अभी तक हम बचे हुए हैं। अपन टाइम पास के लिए धीमे धीमे पुराने गाने गाते हैं, तो शुरू करो। है खामोशी, बरसो है तन्हा, ये देख के दिल झूमा, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, करेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, मुस्कुराहटों पे कोई दर्द पर आए, दर्द पर आए,
तेज बारिश आ गई और हम लोग फाइनली नीचे आ गए और लेट हो गए काफी। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, सबसे पहले गाड़ी नीचे उतारते हैं फिर देखते हैं आगे। तो कुछ ऐसा सीन था हमारे माथेरन का, एक पूरा अनलिमिटेड मस्ती वाला पैकेज है माथेरन। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था और बहुत मज़ा आया, बहुत फन हुआ है। मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवर करने की, जितना ज़्यादा हो सकता था, जो मैंने किया, जो हम लोग जहाँ रुके, जैसे जो था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और शायद आप लोग को हेल्प करेगी ये वीडियो कभी फ्यूचर में आप जब आओगे। तब तेज बारिश आ गई थी और अंधेरा काफ़ी हो गया था, लाइट वगैरह की दिक्कत थी, घाट था, इस वजह से हम सबसे पहले बिना वीडियो बनाए हम नीचे आ गए। अब हम लोग नीचे आ गए, अब हम थोड़ा खाना पीना करेंगे और फिर सीधे पुणे निकलेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मुझे लगता है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था माथेरन में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा। ये दो दिन सुकून के थे, प्रकृति के वो नज़ारे देखे जो शहर में है ही नहीं, अलग अलग रूप देखे। यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है।